सीमा चैनल और आज हम लोग आए हुए हैं जय विलास पैलेस में। यहाँ पे आपको देखने को कई सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे माना जाता है कि ये महल 1 करोड़ रुपीज़ में बना था उस टाइम पे, जब 1874 में, तो ऑलमोस्ट 150 साल पहले ये बनाया था। जो ग्वालियर की रॉयल फैमिली थी, सिंधिया फैमिली, जो अभी भी हमारी पॉलिटिक्स में है। मैं राज अपने कजन्स देव और गुनगुन के साथ आज हम एक्सप्लोर करेंगे सिंधिया पैलेस। चलते हैं। तो गाइस आ गए हम जय विलास पैलेस, जिसको पहले सिंधिया पैलेस कहते थे। ऐसी कुछ इसकी मेन एंट्रेंस है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये जगह। आ गए हम फोर्ट के अंदर और यार एंट्री तो बहुत ही महंगी है यहाँ, 300 रुपीज़ पर पर्सन, और ये वीडियो भी बनाने नहीं देते, तो जब तक कोई है नहीं आसपास तो हम वीडियो बना सकते हैं। चलो दिखाते हैं हम आपको सिंधिया पैलेस। हमें यहाँ पे यही डर लग रहा है कि गार्ड्स हमें मना कर देंगे, बट यार हमने 300 रुपये पर टिकट लिया, हम फोटोज़ भी नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस पे बैठ के रॉयल्स जो थे वो हंटिंग करने जाते थे, तो यार लग्जरी तो इसको ही कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे रॉयल्स को कैरी करने के लिए, उनकी प्रोसेशंस के लिए यूज़ होती थी। ये है शाह आलम सेकंड की पालकी। द रॉयल दरबार, ये उसके मेंबर्स, उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी, इवन फोटोज़ हैं, काफ़ी हिस्टोरिक। ये तो किसी अंग्रेज़ का मेरे को सर लग रहा है। ये है हमारा इंडोर स्विमिंग पूल, जिसमें जो फीमेल मेंबर्स थी रॉयल फैमिली की, उनके लिए स्विमिंग करने के लिए इन्होंने फैसिलिटी बनाई थी 1876 में। और ये रूम तो इतना ही है। ये बार रॉयल्स के नाम पे इन्होंने सब कुछ रख रखा है। इसमें एक सेक्शन है जहाँ पे टाइगर्स वगैरह भी हैं, जो मैंने बचपन में देखा था, हमें याद है ना, वो टाइगर्स इन्होंने टैक्सीडर्मी करके प्रिजर्व करके रखे हैं, बहुत सारे जो हंट करते थे। हाँ, टी रूम। वाह भाई वाह, लाइफ हो तो ऐसी। आर्मर, सिंधिया आर्मी में कौन से आर्म्स यूज़ करते थे अपने कैंपेन्स के लिए? हाँ हाँ, बोल बोल। स्वॉर्ड्स, वाओ। वॉर एलिफेंट जो यूज़ होते थे इंडिया में वॉर्स में। जब वो हंट करने आते थे इस
एलिफेंट को साथ में लेके जा सकते हो। और ये सब होंगे हेलमेट, ये जो जोधा अकबर में हमने देखा हुआ वैसे कुछ लग रहा है हेलमेट। और ये आर्मर की प्लेट्स हैं जो चेस्ट पे उनके लेग्स पे लगे हैं। ये क्या है? ये शायद से कतार्स, वो गार्डिंग करने में यूज करते होंगे। ये यूनिक है साउथ एशियन में। ये वर्ल्ड वॉर टू की जर्मनी की गन्स जो कैप्चर करी थी, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन की, हाँ सच कह रहे हैं, वर्ल्ड वॉर वन का था कैंपेन। और ये दो अलग अलग मशीन गन्स हैं, और शायद वो स्नाइपर का कोई पीस है, वो वाला स्नाइपर गन का कोई पीस है शायद से। और ये एक हॉस्पिटल शिप का रिप्रेजेंटेशन है। फ्लिंट लॉक गन्स, डाइनिंग टेबल ट्रेन शायद आपने पहली बार ही देखी हो। ये इनकी डाइनिंग टेबल थी और यार इस पर ट्रेन चलती थी, इन्होंने अब दिखाया भी है टीवी में कि कैसे होता था। और जब मैं पहले आया था तब शायद चलती भी थी ट्रेन। काफ़ी अमेजिंग है गाड़ी, ये असली मज़ेदार आ चुके हैं जिस चांस रियल है। ये रियली टाइगर थे जो हंट करे थे। और भी काफ़ी सारे टाइगर्स हैं यहाँ पे, वो रूम हमें ढूंढना पड़ेगा। शायद 16 यहाँ पे रखे हुए हैं। स्टेट रूम, ये दरबार लग रहा है मुझे महाराजा का। ये भी कोई गैदरिंग वाली जगह ही है। लुक एट दिस झूमर भाई साहब, ऐसा बोला गया है कि ये इन झूमरों को टांगने के लिए यहाँ पर कई 100 हाथी छत पर चढ़ाए गए थे, तब जाके ये झूमर टांगे गए थे। जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता मगर इसकी आर्टिस्ट्री देखो यार, जिस टाइम पे बना होगा 1 करोड़ रुपए में ये महल बना था 1874 में। अकॉर्डिंग टू गूगल इसकी करंट वैल्यू 10,000 करोड़ है, तो आप सोच ही सकते हैं। यहाँ तो हम चले गए ना, हमें अभी पता चला है कि हमने किस छोड़ दिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा टूर। हियर इज द टाइगर गैलरी, यहाँ पे वो सारे टाइगर्स हैं जो हंट कर रहे थे ये सिंधिया फैमिली ने। और यार मध्य प्रदेश अपने टाइगर्स के लिए आज भी फेमस है, बहुत टाइगर्स हैं। तो देखते हैं, अमेजिंग सीन्स रियल, साइज देखो यार इन टाइगर्स का।
ये असली टाइगर से जो टैक्सी डर्मी के थ्रू इन्होंने रिस्टोर करे हैं। गाइस ये था हमारा संध्या पैलेस का टूर। ग्वालियर आप आते हो तो ये मस्ट विजिट जगह है, और आपको पहले ही बता दें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, 300 रुपीज़ पर टिकट हर एक अडल्ट की, और 5 साल से बड़े बच्चे की यहाँ पे 300 रुपीज़ पर टिकट है, जो कि एक्सपेंसिव है बट वर्थ इट है। तो आना तो बनता है यार, बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है ग्वालियर के लिए और इंडिया के लिए भी, तो ये तो मस्ट विजिट जगह है यार, यहाँ पे आना पक्का है।